सीबीडीसी, आरबीआई ने जो है अभी हाल ही में जो है सीबीडीसी का प्रोग्राम जो है पिछले एक साल से चल रहा था, उसको सीबीडीसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले चलाया गया था, लेकिन अब जो है आरबीआई ने सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। आखिर ये क्या, ये सीबीडीसी है, आखिर इसके आने से क्या परिवर्तन देश में होगा, और ये सीबीडीसी क्या होती है और इसके क्या यूटिलिटी है, क्या ये आम आदमी के लिए है या नहीं है, इस पे सारे बातों पे, सारी चीज़ों पे जो है मैं इस वीडियो में बात करूंगा। यदि आपको आसान भाषा में बिल्कुल समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो सीबीडीसी सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको सीबीडीसी क्यों बता रहा हूँ। सीबीडीसी देखिए, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, बट मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए, मेरा वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको सीबीडीसी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि इससे पहले भी मैं जो हूँ इस चीज़ पे काम कर चुका हूँ। मेरा अगर एक दो साल का अगर वीडियो आप देखोगे तो 2 साल पूरे मैंने काम किए इस चीज़ पे, तो इसमें मैं आपको बेहतरीन ढंग से बता सकता हूँ कि सीबीडीसी आखिर क्या होती है और इसका क्या रिलेशन है क्रिप्टो से और क्या इसका संबंध होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, देश में जो है कोई भी करेंसी जो है कैसे रन करती है, तो कोई भी करेंसी इस देश में रन करने के लिए उसको दो चीजों की, एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है लीगल टेंडर, यानी कि जो लीगल टेंडर इस देश में आरबीआई जिसको दे देगी वो करेंसी इस देश में चलने लगेगी। यदि कोई भी करेंसी को बैन किया जाता है, जैसे मान लीजिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई, तो इसका मतलब ये नहीं था कि नोट बंद कर दिया गया, इसका मतलब ये था कि जो 1000 और 500 के नोट थे उनसे जो है लीगल टेंडर उसका वापस ले लिया गया। ये तो हो गई इकोनॉमी की बात, यानी कि अर्थव्यवस्था में ऐसे ही चलता है कि लीगल टेंडर उसका वापस खींच लिया जाता है। करेंसी होती कितने टाइप की है, करेंसी कई टाइप की होती है, वो क्वाइंस की फॉर्म में भी हो सकती है जो कि क्वाइनेज एक्ट 2011 के अनुसार गवर्न होती है, एंड जो करेंसी है वो नोट की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि फियाट करेंसी के फॉर्म में। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो नोट आप डेली लेते घूमते हो ना, उसको नोट नहीं कहते, उसको फियाट करेंसी कहते हैं इकोनॉमी के टर्म में। और जो फियाट करेंसी होती है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत गवर्न होती है, और क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत क्वाइंस यानी कि सिक्के भारत में कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे कि सिक्के जो है कई सारे बैन भी किए जा सकते हैं, जैसे 50 पैसे का सिक्का जो है बंद हो चुका है 2011 के अनुसार, और सिक्कों को जो है एक लिमिट तक ही आप किसी दुकानदार को दे सकते हो, उसके बाद जो है वो उसको लेने से इंकार कर सकता है। ये क्वाइनेज एक्ट 2011 की गाइडलाइंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पे अगर बात की जाए तो ये सीबीडीसी आखिर क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि जो नोट आप मार्केट में लिए घूमते हो वो फियाट करेंसी होते हैं, और अभी तक इंडिया में जो है दो ही चीजों को लीगल टेंडर मिला हुआ है। एक तो जो है आपका जो करेंसी है यानी कि जो नोट है फियाट करेंसी उसको मिला हुआ है, दूसरा क्वाइंस को मिला हुआ है। आप कहोगे क्या बैंक के जो चेक एक होती है वो क्या लीगल टेंडर नहीं होता है, वो लीगल टेंडर जो है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है वो दरअसल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो है जिसके पीछे लीगल टेंडर नहीं है उसको लेने से कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को पेमेंट करना चेक में चाहो और वो चेक में लेने से मना कर दे, आप कह दो कि इंडिया में तो चलता है, हम आपकी कार्रवाई करेंगे, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। बैंक की जितनी भी करेंसी होती है जैसे चेक हो गई, ये लीगल टेंडर नहीं होती, इसलिए कोई भी व्यक्ति डिनाई कर सकता है कि वो लेने से मना कर सकता है। तो ये तो आपको बात पहले पता चली। अब बात कर लेते हैं कि सीबीडीसी क्या होती है। जैसे आपके नोट थे, जैसे आपकी क्वाइंस थी, अभी तक आप पेमेंट करते थे यूपीआई की मदद से, जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो कि जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 के तहत बनी हुई एक संस्था जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत जो है भारत में जितने भी अमरेला, यानी कि वो एक अमरेला टर्म है जिसमें सारी भी चीजें जितनी यूपीआई होगी, क्यूआर कोड हो गया, और जितने भी पेटीएम एटीएम वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं, ये सारी एनपीसीआई के अंडर गवर्न होती हैं। अब एनपीसीआई हमारे देश में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका लेखा जोखा रखता है, यानी कि एनपीसीआई हमारे देश में बहुत बड़ी संस्था है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को मेंटेन करती है। बट अभी तक दिक्कत ये आ रही थी कि जो, जैसा कि अगर आपको थोड़ी सी भी इकोनॉमी की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि हमारे देश में अगर महंगाई बढ़ानी है महंगाई घटानी है ये आरबीआई एक चुटकी में कर सकती है। कैसे करती है, आरबीआई के पास कई सारे हथकंडे होते हैं, जैसे एक रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ऐसे करके कई सारे चीजें होती हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ सीबीडीसी है क्या। तो आरबीआई जो है देश में गवर्न करती है। आप कहोगे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। आरबीआई हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नेशनलाइज हुई थी 1949 में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959, एंड जितनी भी हमारे देश में जो कमर्शियल बैंकें हैं वो कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत गवर्न होती हैं, कंपनी एक्ट, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी बैंकें हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में, अगर आपको पता हो कि हमारे भारत में इस समय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पीएसबी जिनको आप कहते हो, जिसमें सबसे बड़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे देश में जो है कई तरीके की बैंकें होती हैं, लैब बैंक होती है, लोकल एरिया बैंक होती है, और जो है
फॉरेन बैंक होती हैं और जो है प्राइवेट बैंक होती हैं, जैसे इंडिया में इस समय जो है प्राइवेट बैंक हैं 21, यदि देखिए बिल्कुल ठीक है, 12 का अपोजिट करो तो 21 ही बनता है। अब आरबीआई को करना क्या पड़ता था कि कभी भी देश में महंगाई बढ़ानी है घटानी है, इसके लिए सबसे पहले बैंकों को निर्देश जारी करना पड़ता था। आरबीआई के पास कई तरीके होते हैं जिससे वो बैंकों को निर्देश देता है कि ऐसे जो है महंगाई को कंट्रोल कीजिए। महंगाई बढ़ती कैसे, महंगाई सीधी बढ़ती है, अगर आप लोगों को कर्जा देना चालू कर दो, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो कुछ खरीदेंगे जाकर, जब कुछ खरीदेंगे जाकर तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर लोगों के पास पैसा खींच लिया जाए, यदि जनता के पास से पैसा खींच लिया जाए किसी ना किसी माध्यम से, आपको बेवकूफ बना करके खींच लिया जाए, तो देश में जब पैसा ही नहीं रहेगा, जब बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है और आप जनता के पास भी पैसा नहीं है, तो हर कोई अपने चीजों के प्राइस घटा देगा। ये मेन फंडा होता है आरबीआई का और यही आरबीआई करता है जब भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आरबीआई और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई और जो भारत सरकार है उसके पीछे पीछे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि आरबीआई यदि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने में नाकाम रहता है तो 3 क्वार्टर के अंतर्गत जो है आरबीआई का जो गवर्नर है वो भारत सरकार को नोटिस लिख के बताएगा कि ऐसा वो क्यों हो रहा है और आरबीआई क्यों असफल रह रही है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब आप इतना समझ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से कि आरबीआई जो है इस देश में रेगुलेटर है, यानी कि कोई भी चीज अगर देश में करनी है तो आरबीआई बैंकों का बैंक है। अब बात कर लेते हैं सीबीडीसी की, लेकिन सीबीडीसी की बात करें उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूपीआई क्या होती है। यूपीआई होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसमें होता क्या है, इसमें आज पूरा देश जो है यूपीआई में जाने कितने बिलियन डॉलर पैसे उधर से उधर सेंड कर रहा है। आज लगभग गली मोहल्ले में हर जगह आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएंगे, वो सब चलता तो यूपीआई पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें जो है यूएसए पीछे हुआ, यानी कि अमेरिका भी पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी। आप कहोगे ऐसी क्या चीज है इसमें, मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है, उसके बाद उसी बैंक अकाउंट से एक मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ता है, जिसके बाद जो है आप किसी भी थर्ड पार्टी है पेटीएम, फोन पे, अमेजन, ऐसे किसी भी पेमेंट ऐप से आप जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। सिर्फ आपका वेरिफिकेशन उसमें होता है, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए, वही सिम जो है आपकी मोबाइल में पड़ी होनी चाहिए, जिसके बाद जो है यूपीआई से आप किसी को भी 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए आप बिना किसी चार्ज के भेज सकते हो। बट इसमें समस्या ये आ रही थी कि अभी तक जो आप पैसा भेजते थे उसका रिकॉर्ड जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास जाता था, यानी कि जितनी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ये जितनी भी बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी बैंकें थी, इनके पास रिकॉर्ड जा रहा था। अब आरबीआई को इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जितने भी ट्रांजेक्शन इंडिया में हो रहे हैं अब उसको हर बार के लिए जो है कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ता था कि ये ट्रांजेक्शन हमें दिखाओ, ये ट्रांजेक्शन हमें दिखाओ। अब आरबीआई को इससे खतरा था कि ये सारी बैंकें जो है कभी ना कभी कोई फ्रॉड कर देंगे और भाग जाएंगे पैसा लेकर के जनता का। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि डीआईसीजीसी एक्ट के तहत हर व्यक्ति का पैसा जो है इंडिया में 5 लाख रुपए तक का इंश्योर होता है। अगर आपकी बैंक भाग जाती है तो आपको 5 लाख तक का रुपए जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे बैंक में 10,000 जमा है तो आपको 5 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 10 लाख रुपए जमा है, अगर बैंक भाग जाती है तो उसको देने का कार्य किसका है, उसका देने का कार्य है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको 5 लाख रुपए तक का ही देगी। डीआईसीजीसी एक्ट लिख लो। अगला मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यूपीआई के तहत क्या हो रहा था कि यूपीआई का जितना भी ट्रांजेक्शन होता था वो जाता था किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। अब आरबीआई ने एक नई टेक्निक निकाली। क्या टेक्निक उसने निकाली, सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या होती है, इसमें होता ये है कि इसके तहत आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो वो ट्रांजेक्शन किसी कमर्शियल बैंक के पास ना जाकर के सीधे जाता है आरबीआई के पास, यानी कि पूरे देश में जितना भी पैसे का ट्रांजेक्शन इधर से उधर, इधर से उधर, 5 रुपए 10 रुपए, जो भी करोड़ों बार ट्रांजेक्शन हुआ है उसका डाटा कमर्शियल बैंक के पास आप मांगने का जरूरत नहीं है, अब सीधे आरबीआई के पास जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वहीं से जो है मॉनेटरी पॉलिसी उसकी कनेक्ट होगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई वहां पे बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता है, अब कमर्शियल बैंक से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो यही सीबीडीसी है। लेकिन सीबीडीसी इतना ही बता के मैं यहां से निकल लूं ऐसा नहीं मैं करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल हैं कि इससे नया क्या होने वाला है। अगर मैं एक शब्दों में आपसे कहूं तो इससे नया आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्या नहीं नया होगा, इससे जो है आरबीआई तो इसकी काफी तारीफ कर रही है कि इससे जो है आम पब्लिक को फायदा होगा, लेकिन मैं आपको यहां पे दोनों बातें बताने वाला हूं, अच्छी बात बताऊंगा बुरी बात बताऊंगा कि इससे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी तक जो आम आदमी ट्रांजेक्शन करता था उसको क्या लेना देना कि कमर्शियल बैंक के पास ट्रांजेक्शन जा रहा है कि आरबीआई के पास ट्रांजेक्शन जा रहा है, हमें क्या फायदा होगा, हमारा क्या उससे फायदा होगा, कुछ नहीं फायदा होगा। आरबीआई कहता है कि आप जो है अब बिना इंटरनेट के पैसे भेज सकते हो, तो यूपीआई में क्या बिना इंटरनेट के पैसे नहीं जाते थे, तब भी जाते थे। आरबीआई ये कहता है कि आप जो है अपनी जो नोट होते हैं उनको आप नोट की फॉर्मेट में सीबीडीसी में रख सकते हो।
अब ये देखिए थोड़ा हिसाब लगा के समझिए, ये सीबीडीसी दरअसल आपको मिलेगी कैसे? अगर आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट में खाता होगा तो वो लोग आपसे ऑलरेडी कह रहे होंगे कि आप सीबीडीसी का प्रयोग कीजिए, बट आप तो कर नहीं रहे होंगे। तो आप अपने बैंक नजदीकी बैंक से संपर्क कीजिए कि मैं सीबीडीसी का कैसे काम ले सकता हूं, तो वो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देंगे। सीबीडीसी में करना क्या पड़ता है कि आपको जो भी आपकी बैंक है, भारत में 12 बैंक हैं, 12 बैंक हैं, उनमें से किसी भी बैंक का जो है आपको सीबीडीसी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें अपना बैंक अकाउंट का खाता बनाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा, उसी प्रोसेस से बनेगा जो यूपीआई की प्रोसेस होती थी। तो आप कहोगे इसमें अलग अलग बात क्या है, वही तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल सेम तरीके से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उस सीबीडीसी वाले ऐप में, और हर बार जो है पेमेंट करने पे आपको पिन डालना पड़ेगा। आप कहोगे इसमें नया क्या है, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि नया इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें फर्क ये होगा कि इसमें जो है दरअसल ये फर्क कोई बहुत बड़ा नया फर्क नहीं है। इसमें आरबीआई ये कहता है कि आप जो है नोट के तरह से पेमेंट कर सकते हो सामने वाली पार्टी को, मतलब जैसे अगर आप सब किसी सामने वाले को 5 रुपए देना चाहो तो आपके पास वहां पे बहुत सारे नोट होंगे, तो इसमें वही वाले ऐप में सीबीडीसी का जो ऐप है उसमें आपके बहुत सारे नोट होंगे, जो सबसे पहले आपको वो सारे नोट खरीदने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 5-5 के सिक्के चाहिए, तो आप क्या कीजिए यूपीआई से सबसे पहले पेमेंट कीजिए आरबीआई को, तो आरबीआई आपको उसके बदले जो है उतने नोट दे देगा सीबीडीसी वाले ऐप में, फिर उससे जो है किसी दुकानदार को आप पेमेंट कर पाओगे। मतलब अगर कुल मिला के एक शब्द में कहा जाए तो आम आदमी को उसको क्या लेना देना, आम आदमी अगर 5-10 रुपए पेमेंट करेगा, 7 रुपए पेमेंट करेगा, अभी यूपीआई से भी तो हो जाता था, बल्कि ये तो और खराब चीज है। अभी तक हम 7 रुपए पेमेंट कर देते थे, 9 रुपए पेमेंट कर देते थे, सीबीडीसी आने से क्या होगा, सिर्फ नोटे का पेमेंट कर पाओगे, जैसे 15 रुपए का पेमेंट कर पाओगे, 11 रुपए का पेमेंट कर पाओगे। उसके लिए हम क्या करें कि सबसे पहले आरबीआई को पेमेंट करें, फिर आरबीआई से डिजिटली फियाट करेंसी लें जिसको हम अपने स्टोर करें, और फिर उससे हम पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को करें, ये कौन सी बात होती है। तो ये जो है आरबीआई का एक नुकसान है और जो इसका फायदा है, मतलब कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि बैकएंड में इसमें काम हुआ है लेकिन जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। मतलब आरबीआई को इससे फायदा होगा, कमर्शियल बैंक को इससे नुकसान तो नहीं होगा, बट हाँ डाटा उसका जरूर जाएगा आरबीआई के पास। ये आरबीआई के लिए फायदे का सौदा है, एक आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ही वीडियो में नहीं रुकने वाला हूं, मैं आपको और भी बताने वाला हूं कि इसमें आरबीआई अगर क्या नया कर देती तो ये जनता के लिए बहुत फायदे का सौदा होता, ऐसा कुछ क्या कर सकती थी। देखिए मैं जो हूं ये अपनी राय इस आधार पे दे रहा हूं क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैं उसी पे काम कर रहा हूं, जिसका सबूत आप यूनिवर्स डिकोडर जो चैनल है यूट्यूब का उस पे, वो भी मेरा ही चैनल है, उस पे जाके आप देख सकते हो उसमें मैंने कितना काम किया इस पे। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है कि जो आरबीआई है इसने बहुत सारी गलतियां की हैं सीबीडीसी बनाने में। आप कहोगे वो तो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर कैसे गलतियां कर देंगे, ये टेक्नोलॉजी की बात है, और आरबीआई जो है वहां पे पढ़े लिखे जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं, यानी कि जो ये वैसे सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर करने। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आरबीआई ने हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने कुछ वक्तव्य रखना चाहूंगा। आरबीआई सबसे पहले निगलेक्ट करती है क्रिप्टो को, यानी कि जो है क्रिप्टो को वो बेकार बताती है हमेशा की तरह, ठीक भी है क्योंकि क्रिप्टो पे जो है किसी का रेगुलेशन नहीं है, कभी प्राइस ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, आरबीआई का वो जो चिंता है उसकी जायज है, क्योंकि इससे क्या है आम पब्लिक, आजकल इतने सारे फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं तो आम जनता जो है कुछ जो जानती नहीं है किसी के भी उसमें आकर के वो कुछ भी खरीद लेती है। क्रिप्टो के बारे में आरबीआई का हमेशा पॉइंट जो है निगेटिव रहा है, और क्रिप्टो पे इंडिया में 30% टैक्स भी लगाया जाता है, कितना परसेंट, 30% फ्लैट टैक्स, 30% फ्लैट टैक्स। लेकिन क्या ये आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यदि आप 30% टैक्स लोगों से वसूलते हो तो इंडिया में आपने क्रिप्टो मार्केट को सुधारने के लिए आपने दिया क्या है, कुछ नहीं दिया है। टैक्स काटने को आप 30% आ जाते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपसे टैक्स लिया जाता तो आपकी रोडें बनाई जाती हैं, आपसे टैक्स लिया जाता तो आपको कुछ दिया जाता है, बट क्रिप्टो वालों को क्या मिलता है, 30% टैक्स तो लेने आप आ जाते हो सालाना का, लेकिन जब आप देने की बात आती है तो ना तो यहाँ पे एक ऐसी एक्सचेंज मार्केट आपने खुलवाई है जहां से क्रिप्टो कोई बाय कर सके। आज भी जो है फ्रॉड के चक्कर में कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं, तो क्या ये सरकार की रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती, आरबीआई की रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती कि 30% टैक्स आप 100 रुपए पे 30 रुपए मानने आ जाते हो, बट आपने एक भी कहां से हम खरीदेंगे कहां से बेचेंगे, जो आम जनता है वो डेली जो है फंस जाती है, उसका कुछ आपने किया ये नहीं किया आरबीआई ने। तो ये जो है आरबीआई की पहली गलती कि 30% टैक्स अगर आपको वसूलना है तो उसके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाइए। दूसरी चीज आरबीआई कहती है कि ये जो है पिन के तहत आपका जो है ट्रांजैक्शन होगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूसरी जगह पे ले जाना चाहता हूँ कि एक क्या होता है ट्रस्ट वॉलेट होता है। ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, आप में से जितने भी लोग होंगे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को जानते होंगे तो आप समझते होंगे कि इस दुनिया में जो है करोड़ों का पैसा सिर्फ एक वॉलेट में दफन किया जा सकता है। आपको कहा इसी कौन सी टेक्निक है, होती है टेक्निक। इसमें होता क्या है कि
करोड़ों का पैसा जो है आप कैसे रख सकते हो ट्रस्ट वॉलेट में। अभी ट्रस्ट वॉलेट कैसे खुलता है, क्या इसकी कुछ अलग सिक्योरिटी होती है, ये प्रूव हो चुका है कि क्वांटम कंप्यूटर भी उसको नहीं तोड़ सकते हैं। आप कहोगे ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है। दरअसल ये ट्रस्ट वॉलेट जो है आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। अब मैं बात जो कर रहा हूँ हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं अभी पूरी बात बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को पहले सुनिएगा, उसके बाद ही ट्रस्ट कीजिएगा। तो ट्रस्ट वॉलेट एक ऐप होता है जिसपे जो है, आप कहोगे कौन सा ऐप बता रहे हो, कोई फर्जी रजी होगा, अरे पहले बात सुन लीजिए पूरी जो है। तो ट्रस्ट वॉलेट जो ऐप है उसमें जो है पासवर्ड आपका लगता है 12 फ्रेज का, क्या 12 वर्ड का, यानी कि 12 शब्दों का पासवर्ड लगता है। कोई व्यक्ति आपका एक शब्द याद कर सकता है, 2 शब्द याद कर सकता है, 3 शब्द याद कर सकता है, 12 शब्द आपकी याद नहीं कर सकता है। और उस वॉलेट में आप करोड़ों का पैसा दफन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी आर CBDC आर डिजिटल करेंसी इन एनी फॉर्म। लेकिन इसमें जो है फिजिकल पैसा नहीं स्टोर होगा, सिर्फ डिजिटल पैसा। आप कहोगे डिजिटल पैसा कैसे स्टोर होगा, आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो है नोट से जो है आप क्रिप्टो को बाय कीजिए, और क्रिप्टो को बाय करने के बाद अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे भेजते हो तो वो पैसा आपका ट्रस्ट वॉलेट में रहेगा, जिसको ट्रैक करना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है। और वो करोड़ों का पैसा आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपके पास वो 12 शब्दों का पासवर्ड नहीं होगा, 12 फ्रेज की। अगर वो फ्रेज की आपकी खो गई तो वहां पे फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि एक बार आपकी वो की खो जाती है तो आपका कोई भी जो है पैसा मिलने वाला नहीं है। आप कहोगे क्रिप्टो CBDC का क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं कि करोड़ों का क्रिप्टो का पैसा कहाँ पे दफन होता है, ट्रस्ट वॉलेट में, जिसमें करोड़ों का पैसा। अगर आपके वो पासवर्ड खो गया तो कोई जिंदगी में आपकी रिकवर नहीं कर पाएगा, बल्कि बिटकॉइन भी जो है इसे बहुत सारे होते हैं लोगों के पासवर्ड ही खो गए, अब पैसा गया सारा, तो ये खतरे का भी सौदा है। RBI को करना क्या चाहिए था कि इसी प्रकार के इस ट्रस्ट वॉलेट पे आधारित ट्रस्ट वॉलेट की संरचना का ही ऐप एक CBDC लॉन्च करना चाहिए था जो उन 12 फ्रेज से खुलता हो, 12 शब्दों से खुलता हो। आप कहोगे बात तो वही है, बात वही नहीं है, आप जरा समझिए बात को। जो ट्रस्ट वॉलेट होता है वो ब्लॉकचेन पे काम करता है, जबकि जो RBI का जो CBDC है वो ब्लॉकचेन पे काम नहीं करता है। आप कहोगे ब्लॉकचेन को काय बीच में घुसेड़ लाए हो, ब्लॉकचेन को घुसेड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा खेल तो इसी का है। क्रिप्टो में जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन का सीधा मतलब ये होता है कि DLT टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन में होता क्या है कि ये जो ब्लॉक होते हैं वो पूरी दुनिया को दिखते हैं, यानी कि आपने कितने रुपए किस व्यक्ति को भेजे उसका नाम नहीं दिखेगा, बस वो एड्रेस दिखेगा। आप कहोगे एड्रेस तो कोई पैसा चोरी कर लेगा, कुछ ना कर पाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ब्लॉकचेन की खासियत समझिए, 3 पिलर हैं ब्लॉकचेन के। पहला, सबको दिखेगा, यानी कि सरकार भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगी कितना पैसा किस अधिकारी की जेब में गया, किस व्यक्ति की जेब में गया, किस कौन कब खा गया, इससे जितनी भी भ्रष्टाचारी हो सब बंद हो जाएगी 1 सेकंड में। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कभी करेगी नहीं, वो आप समझते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए गवर्नमेंट चाहे तो सारे खातों को, देश में जितने भी खाते हैं उनको अगर ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाए तो सारा पैसा दिखने लगेगा कि कितना पैसा सरकार से आया, कितना पैसा बीच में खाया गया, कितना पैसा किसके खाते में पहुंचा। ये एक एक चीज की जानकारी ब्लॉकचेन दे सकती है अगर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को अपना लिया जाए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये टेक्नोलॉजी बहुत फायदे की है। दूसरा, लेजर टेक्नोलॉजी मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन देश में होंगे वो सारे हर एक देश का आम व्यक्ति भी देख सकता है कि कितने किसना टैक्स दिया, कितने किसना पैसा दिया, कितने जो है ट्रांजेक्शन रुपए का किया गया, बस उसमें नाम व्यक्ति का नहीं दिखता है, दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे किसी की पर्सनल चीजें अफेंड होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने कितना टैक्स दिया या आपको क्या लेना देना, उसमें नाम उस व्यक्ति का नहीं दिखता है, तो इससे आप परेशान मत होइए, ब्लॉकचेन में नाम नहीं दिखता है, बस क्या दिखेगा कि किसने कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया, कब किया, कितना टाइम था। और जो सबसे खासियत बड़ी है ब्लॉकचेन की वो ये है कि उसमें कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन मिटता ही नहीं है, मतलब कितना भी बड़ा बहुत बड़ा 30 मार खां क्यों ना आ जाए, वो उस ब्लॉकचेन में पड़े हुए किसी भी ट्रांजेक्शन को डिलीट जिंदगी में नहीं कर सकता है। इवन ऑफिसर, इवन RBI, इवन गवर्नमेंट, नेवर एवर मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। तो अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है RBI एडॉप्ट कर लेती है अपनी CBDC में, तो इससे फायदा ये होता कि जो ब्लॉकचेन आधारित CBDC होती उसका जो रिकॉर्ड होता वो RBI को मेंटेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे जा रहा है। और ब्लॉकचेन पे जाने का मतलब ये है कि उसमें ऑटोमेटिक सब चीज़ सेव होती रहेंगी, ब्लॉक की फॉर्म में सेव होती रहेंगी, और इसका चेक चेन बनती रहेगी, और उसमें डेटा कभी भी इरेज भी नहीं होगा, और देश का आम नागरिक
ये व्यक्ति देख सकता है कि कितने कैसा पैसा ट्रांसफर किया, या गवर्नमेंट भी चाहे तो सीबीडीसी को अपनाए, मैं तो कहता हूं सीबीडीसी को अपनाए, बट ब्लॉकचेन पे आधारित होनी चाहिए। ब्लॉकचेन का फायदा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पूरे देश में जो है हर व्यक्ति उसका जो है निगरानी कर सकता है, और उस पे मिटाना किसी भी चीज को आसान नहीं है, यानी कि उस पे आप मिटा ही नहीं सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल ताकत का प्रयोग होता है, बट वो बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि उस पर मैं बात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो जो है अगर यूनिवर्स डिकोडर पे आप देखोगे जाकर तो उस पर चीजें दी गई हैं। ब्लॉकचेन दो तरीके की होती है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन को जो है चलाना बहुत खर्चीला होता है, लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन का प्रयोग आरबीआई कर सकती है, प्राइवेट को भी चला ले, लेकिन जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है उनका प्रयोग आरबीआई किया जा सकता है। हालांकि वो थोड़ी महंगी जरूर होती है, बट आरबीआई इतना लोड झेल सकती है पर प्राइवेट ब्लॉकचेन को, क्योंकि सिक्योरिटी और देश की ट्रांसपेरेंसी और आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए ये करना अति आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो नॉलेज होगा, मेरा जो वीडियो का बनाने का पर्पस था वो एक्सप्लेन हो चुका है। शायद ही आपको वीडियो को यूट्यूब पर मिला होगा जिसमें इस तरीके से मैंने डिटेल में चर्चा की होगी। मैंने आरबीआई की सीबीडीसी के बारे में बात किया, आरबीआई की जितनी भी खामियां, उसकी कमियां, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या वे अपनाया जाए जिससे दूर हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए था, मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं था। ये वीडियो में मेरा सिर्फ सजेशन मैंने दी है, जो भी है ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस मिले। धन्यवाद।